सब ये ना सामान। वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट प्राइवेट जो रेल खुली है तेजस एक्सप्रेस, वहाँ से जा रहे हैं दिल्ली से कानपुर। ये सिर्फ हम एक गाड़ी का रिव्यू करने का प्लान था पहले, बट बाकी प्लान चेंज कैसे हो बताऊंगा आपको बाद में। पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग। ऋषि भी जा रहा है। पापा की चोरी हो चुकी एक बारी। मेरा पहले प्लान था इस गाड़ी का रिव्यू करने का दिल्ली से गाजियाबाद, क्योंकि इस गाड़ी का पहला स्टॉप गाजियाबाद है, दूसरा स्टॉप कानपुर और तीसरा स्टॉप लखनऊ है। बट दिल्ली से गाजियाबाद आप टिकट नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस रहता है, इसलिए आरसीटीसी अलाउ नहीं करती आप। तो हमने सोचा कि पापा दिल्ली से कानपुर टिकट बुक कराएंगे और गाजियाबाद उतर जाएंगे और रिव्यू करके आ जाएंगे, बट फिर प्लान हमारा चेंज हो गया। अभी हम कानपुर तक जा रहे हैं, मैं, पापा, मम्मी और चिकलू। आ जाओ, 9 नंबर जाना, 9 नंबर। इसी वन आगे, इसी वन, ये वाला क्या? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? अरे अरे, क्या नाम है आपका? भाई साहब। क्या नाम भाई साहब है? मैं अभी तेजस एक्सप्रेस में जस्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई मेट दीज गाइस। मैम ये जब चलेगी तो पता कैसे चलेगा चलने वाली है? चल, हॉर्न आ जाएगा। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, छूट तो नहीं आऊँगा मैं। नहीं, होता रहा नीचे। तो ये लोग मुझे मिल गए, ये भी तेजस को कवर करने आए हैं, बट ये बाहर से कवर कर रहे हैं। इनमें से आप कौन रेलवे में काम करता है? तुषार। और आपका रेल का चैनल है? सभी रेल फैंस है, जैसे मेरा है रेल फैन तुषार। मुझे डर लग रहा है पीछे गाड़ी निकल ना जाए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। ठीक है, सिनेमैटिक लेने के चक्कर में छूट जाऊँ। चलो भाई, आप लोगों को क्या लेना है? आ जाओ आ जाओ, चल रही है। थैंक यू मैम। अब कुछ प्रमोशन वगैरह किसका? ट्रेन का कि आपका? ट्रेन का। ओके सर, हैप्पी जर्नी। माता जी, ट्रेन चलेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, वी आर हियर। आई एम हितेश शर्मा। हितेश जी हैं एंड दीस गाइस वर्क फॉर आईआरसीटीसी। द वाज जस्ट आस्किंग, सर बंद हो रहा है? हां ना ना, चले जाओ, चला जाओ ना, पास अंदर से ले लेता हूं। तो हितेश जी वाज टेलिंग मी कि दिस ट्रेन इज प्राइवेटली रन बाय आईआरसीटीसी, सिर्फ इंजन एंड गार्ड। वी आर पेइंग द हॉलेज चार्जेस टू द रेलवेज फॉर इंजन एंड गार्ड, अदरवाइज एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय यू। अर्चित। अर्चित, एंड आप सर किस पोस्ट पे काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे चीफ सुपरवाइजर। अरे बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय 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 सर, थैंक यू, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच। सो मैम ने मेरे को बताया कि 3:34 पे दरवाजे बंद हो जाएंगे और 3:35 पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे। गाइस, ट्रेन डॉट टाइम पे चल चुकी है, इट्स 3:35। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगर माई चांस कोई छूट जाए उसका क्या होता है? सर ये डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होता है, हम खोल नहीं सकते। छूट गया तो छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। उसकी जो ये ब्लाइंड्स है, जो ब्लाइंड्स इसके दो ग्लास के बीच में, तो उसको नीचे कैसे करते हैं पापा? ओ करो करो करो। ओ दिस इज अ न्यू फीचर, ब्लाइंड जो है शीशे के अंदर लगे हुए हैं, आप यहाँ से स्विच, सो यू कैन, ये बहुत ही सही फीचर लगा मेरे को। नकलची बंदर। मम्मी कहती है कि चिकलू का नाम चिकलू कैसे पड़ गया है? चिकलू क्योंकि चिकलू जैसा मीठा है, चीकू जैसे गाल है, चीकू जैसे लाल टमाटर हो गई, चिकलू हो गया। Oh, 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 oh,
तो गाइस पहला स्टॉप आ चुका है विच इज गाजियाबाद। ये पहला स्टॉप है, 30 मिनट्स के बाद ये गाजियाबाद में रुक जाती है। अब यहाँ से जब लोग चढ़ेंगे तो तभी स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। अभी तक हमें सिर्फ जूस, रोज, पानी और टॉवल दिया गया था। आई थिंक जब यहाँ पे लोग आएंगे देन वी विल स्टार्ट विद स्नैक्स, और जब तक कानपुर पहुंचेंगे दे विल सर्व अस वन मील। चलो तो उधर क्या थोड़ा देखते नीचे क्या गाजियाबाद में। 2 मिनट स्टॉप है, मतलब ऐसे गेट के बाहर उतरेंगे फिर कुछ नहीं होगा रशी। लेकिन मतलब इसमें फायदा क्या है, ये बाहर के वेंडर्स नहीं आ पाते फिर। तुम्हें कैसी लग रही है ट्रेन? तो ये जोय जी हैं, तो ये मुझे मिल गए ट्रेन में ही। तो इन्होंने कह रहे हैं कि जो ब्रेक सिस्टम है, डोर सिस्टम है, ये इन्होंने डिजाइन किया है। चल रही है क्या सिग्नल? चलो चलो तो ये बढ़िया होगा। जोश जी अभी हमें एक राउंड दे देंगे ट्रेन का। इन केस ऑफ इमरजेंसी वांट टू स्टॉप द ट्रेन देन यू कैन। कह रहे हैं कि ये जो कोचेस हैं वो 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और जो वंदे भारत के वो भी 200 के हैं। बट द कांसेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, और वो है ना डस्टबिन, डस्टबिन और जो अपने आप खड़ा होना है एक बारी पहली ट्रेन है जहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं डोर के लिए, और पीछे इसीलिए नहीं खुलता पीछे। अभी मैं आता हूँ, सो आई विल गो एंड देखते हैं कि ऑटोमेटिक खुलता है कि नहीं। बाकी ट्रेन में दिक्कत होती है, अब सामान लेके आ रहे हो ना, एक हाथ से सामान है एक हाथ से डोर खोलो तो बहुत दिक्कत होती है। ये स्मोक डिटेक्टर है ना, तो हम लोग जहाँ बैठे हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयर का आ रहा है, इसमें दो की कॉन्फ़िगरेशन है, और भी जहाँ जा रहे हैं वो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, ये पहली बार आपका गैंगवे टाइप जैसे मेट्रो में होता है, जैसे मेट्रो में होता है, पूरा गाड़ी को एयर टाइट किया गया ताकि वो वैक्यूम जो नॉइज होती है उसको मिनिमाइज कर। नॉर्मल ट्रेन में आपका ओपन रहता है, डर लगता है चलने में, इसमें नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्मल चेयर कार में जिसमें 3x3 की कॉन्फ़िगरेशन है। सर कह रहे हैं कि सर्विस वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ सीटों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसमें आपका एक वाईफाई, इंटरनल वाईफाई सिस्टम लगा है, डिवाइस आपका होगा एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मींस। ओपन वाईफाई नहीं है, गूगल नहीं चलेगा। एयरक्राफ्ट में होता है सर कि कुछ जो आपने स्टोर कर दिया मूवी सॉन्ग्स वो चलेंगे, बाकी आप वो देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, इसमें सर आईपैड से चेक करते हैं हम, ये भी हाईफाई है। शताब्दी में सब शताब्दी में भी हो चुका है। ओ सही है, तो मुझे पता नहीं था बिकॉज मैं ट्रेन में बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ वैसे मुझे था कि चार्ट लेके आता था ना पहले, लेकिन अभी हाईफाई हो गया सर जो है आईपैड में चेक कर रहे हैं टिकट। 10 नॉर्मल कोच है, एक एग्जीक्यूटिव कोच है, हम लोग खड़े नॉर्मल कोच में। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है 3+2, बाकी सर्विस वाइज एवरीथिंग इज सेम। एक बार आप बैठ के देखो कैसा दिखता है आपको। इसका कंफर्ट वर्सेस वो पीछे एग्जीक्यूटिव का कंफर्ट आगे हो जाएगा। पीछे 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 नहीं, आगे का आगे नहीं होगा सर। एक्चुअली वंदे भारत में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें रिक्लाइनिंग होती है, इसकी सीट्स आर फार बेटर देन वंदे भारत। हां कंफर्टेबल है, हां फुटरेस्ट है, बॉटल होल्डर है, और आगे सामान रखने के लिए जगह है, लेगरूम काफी अच्छा है इसका, और फुटरेस्ट काफी कंफर्टेबल है, रिक्लाइनिंग वगैरह फुल रिक्लाइनिंग है, आराम से सो सकते हो इसमें। बाकी लाइटिंग का है ये। ओके हाँ सर, वो दिखाइए वो कहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे जैसे एयरक्राफ्ट में होता है कि यू कैन प्रेस द कॉल बटन एंड द क्रू विल कम टू सी व्हाट एवर इट इज, तो ये बटन है ना टू कॉल करने के लिए। दबाओ मैम। अच्छा तो अलार्म। अच्छा मैम बड़ी जल्दी आ गई आप तो। नहीं आप अलार्म देख के हैं कि देख के हैं कि मैंने दबाया ये। अच्छा अलार्म वहाँ बजता है, तो आप लोगों का कोई स्पेशल कैबिन है, आप लोग कहाँ वहीं पे रहते हैं? कैली में आपका अलार्म बजता है, बट यू नो कि किस सीट वाले ने बजाया सर? एक्चुअली यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है, वो हमें पता। तो लाइट देख के आप आए थे कि किसने? शीशा चेंज करते हो? पूरा शीशा चेंज करना। मी एंड डैड वर डिस्कसिंग दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द ट्रेन की ब्लाइंड जो है शीशे के अंदर है, खराब होने का चांस नहीं, बट सर कह रहे हैं कि उल्टा सरदर्दी है बिकॉज अगर ये ब्लाइंड खराब होते हैं तो पूरा शीशा चेंज करना पड़ता है। लेकिन गुड फीचर इज दिस ट्रेन इज वेरी क्वाइट, जैसे अगर ये सारे शीशे हैं ये पूरे साउंड प्रूफ है, और अगर वो वाला दरवाज़ा भी बंद हो जाए जैसे अभी खुला हुआ है, सो इफ बोथ द डोर्स आर क्लोज ट्रेन इज टोटली पैक, सो इट इज़ वेरी क्वाइट, मतलब अंदर आराम से आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी आप। सो दिस इज़ द रिलीज बटन इन केस आपका ऑटोमेटिक डोर अगर नहीं खुल रहा है खराब हो गया, तो दिस इज़ द बटन, इसको दबा के आप डोर खोल सकते हैं। ये आपके एंटी स्किड डिवाइस है। कौन से वाले सर? ओके ओके। सो ये है भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, कहते हैं भाई साहब, मैंने कहा वाह भाई साहब का नाम भाई साहब, तो इन भाई साहब का नाम है भाई साहब। भाई साहब को हाय बोल देंगे कैमरे में, ऐसा हाय कर दीजिए ना। रशी भाई साहब तो तुमसे मेरा शर्माते हैं यार। सो अभी हो चुका है स्नैक टाइम, गाड़ी निकल चुकी है गाजियाबाद से और हमें मिली है स्नैक प्लेट। दिखाते स्नैक प्लेट में क्या क्या है। क्या आलमंड, नमकीन है, मफिल्स, कुछ केक है, और ये क्या है आपका
पैटीज है इसमें और साथ में दिया था आपको ऑप्शन चाय या कॉफी का जो देखो फुटरेस्ट वाला कैसे होता है फुटरेस्ट कितनों पर लग जाता है ये सो अनदर गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट द ट्रेन वॉज कि अगर आप कॉल बिल बजाएं तो कॉल बिल बजाते हैं यहाँ पे स्टाफ आ जाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम है हमने कहा दो बार क्लीनिंग के लिए सो क्लीनिंग के लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बंदा आ रहेगा तो भाई साहब थे रीडिंग के लिए आपको मैगजीन्स भी ऐसे एयरक्राफ्ट में होता है यू हैव लॉट ऑफ रीडिंग स्टाफ एंड जस्ट दैट कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू कानपुर बट कंफर्टेबल है बिकॉज सीट चौड़ी हैं बैठे हुए आराम से लैपटॉप खोल के अपना रीडिंग का काम चालू करूँगा सो आई फील आई हैव यूटिलाइज माई डे जो कि नॉर्मल ट्रेन में नहीं हुआ था बिकॉज वो बर्थ ऐसी होती कि बैठा नहीं आता वहाँ पर मम्मा के साथ ट्रेन का दौरा करने बाय रशु दिस इज द पावर्ड गार्ड कोच ने कहा कि थोड़ा देर में डिनर लगने वाला फिर कानपुर रहेगा तो आपको दिखा देते हैं तो सारे डोर्स की ऑपरेशन यहाँ से होती है जब गाड़ी खड़ी रहती है तो ये रिलीज देते हैं जिस साइड प्लेटफॉर्म आता है और उसके बाद ओपन रिलीज डोर्स और बंद भी आप ही करते हैं बंद भी गार्ड करते हैं और बट ये वाला जो सिस्टम है ग्रेटर देन 5 की स्पीड पे काम नहीं करता ये सारा स्मोक की मॉनिटरिंग हो रही है ये सारा गार्ड पैनल है रियल टाइम में सारा कोचेस की मॉनिटरिंग हो रही है कुछ होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाती है 10 के 10 कोच यहाँ पे 10 के 10 तो हमारा डिनर हो चुका है डन नेक्स्ट हॉल्ट इज कानपुर स्टेशन विच इज 72 किलोमीटर और एक घंटा लगेगा अभी फिलहाल मेरे थैंक यू सो मच ऑल गिफ्ट फ्रॉम आईआरसीटीसी हियरिंग है आईआरसीटीसी का सो अभी हम लोग गुजर रहे हैं पनकी स्टेशन से यहाँ से कानपुर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट ट्रेन की यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी है पर मैं जरा वॉशरूम भी हो लेता हूँ के कानपुर सेंट्रल 8:30 का टाइम था 8:25 का टाइम था बट 8:15 10 मिनट पहले पहुंच गए हम लोग वहां से चले ऑन टाइम यहां 10 मिनट पहले लेट होने का भी कुछ है कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं एक घंटा लेट हो गई तो 100 रुपए अगर एक घंटा लेट होती है तो और 2 घंटे 250 रुपए 2 घंटे का 250 रुपए लाइफ बन जाएगी रास्ते में कोशिश करो लेट ही कराओ इसको 100 रुपए घर लेके जा पहुंच चुके हैं हम अपनी जन्मभूमि जिन लोगों को नहीं पता मैं कानपुर से हूं 12वीं तक की कक्षा मैंने यहीं से की स्कूलिंग यहीं से की उसके बाद मैं कानपुर से निकल गया बाहर मेरे को सब लोग कहते थे कि मम्मी कहाँ गई मम्मी नहीं आती वीडियो में मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी जैसे मैं था आपका बेटा या पापा को पूछा अब जैसे रजबरी पापा के साथ रहती है मतलब उसको हमसे ज़्यादा हाय कैसे हैं आप तो मुझसे ज़्यादा वो पापा को प्यार करती है अभी तो मैंने पापा से कहा पापा जब मैं था हाँ दादू के पास है देखो दादू के पास सुबह 5 बजे नींद खुलेगी उसकी मैंने कहा पापा जब हम लोग छोटे थे तो हमको इतना प्यार शायद आप नहीं कर पाए होंगे लेकिन रसबरी का पूरा टाइम स्पेंड करते हो आप कहते हैं हाँ ये तो है प्याज प्यारा देखो प्याज चल रहा मूल के साथ देखो I won't stop. I
I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmines with my Benz, ooh, I'm so fancy. Yeah, I'm so fancy. Yeah. No romance. ये तुम्हारे पापा का पुराना घर है, तुम्हारे पापा यहीं खेलते थे, यहीं बड़े हुए हैं, पूरा बचपन पापा का यहीं बीता तुम्हारा। तो यहाँ पे आके बहुत यादें ताजा हो जाती हैं। कहाँ गया तू? कहाँ गया? Bravo! चलो guys, thank you for watching this vlog. Bye bye. Take care. नमस्कार. कल है दशहरा और है मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे, तो दोनों मनाएंगे कल. आजा 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 बाय बाय कर दो. आजा 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 आजा. आजा बाय कर दो. बाय कर दो. आजा आजा आजा. Bye. 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 Love you. बोल दो. Bye. चलो बाय बाय गई.